रात गुजर गई पता नहीं चला, और आंख खुली तो पता चला हमारे मेहमान अभी भी इधर ही हैं, अभी भी नहीं गए। मजाक वाली बात थी क्योंकि मेहमान नहीं थे, घर वाले थे। सबने मुझे शोर मचा के बुलाया आके, खाना नहीं सैरी कर लो सैरी कर लो, और जब मैं आई तो मेरी जगह ही नहीं थी। ये तो बड़ा बखौल हो गया मेरे साथ। सब बैठे हुए लाइन से, यहाँ पर सब लाइन लगा के बैठे हुए। सब बैठे हुए सैरी कर रहे हैं, सैरी लग चुकी है और मैं आ चुकी हूँ, और अपनी कुर्सी लगाएंगे। और पांचवा रोज़ा माशाल्लाह सैरी स्टार्ट हो चुकी है, और मैं थोड़ी सी देख के सोई क्योंकि थक चुके थे। खाने में मेन्यू में क्या है सब वो देखते हैं। एक अदद अंडा है, एक अदद अंडा साथ में वो कौरमा चुना था दही जो बचा पूछा था, मूंग की दाल, सात मूंग की दाल, और ये जो हमारी रोटियां थी उसको घी लगा के पराठा बना दिया। नहीं घी नहीं लगाया। अच्छा घी नहीं लगाया। सालन दे जाने को काम कर दे। यहाँ से नानी को बिठा दिया उनकी जगह पे। मेरा मोबाइल आके गंदा हो रहा है, मैला हो रहा है मैला। यहाँ पे दो अदद लगे पड़े हैं टोपी पास। ये क्या कर रहे हैं? ओए होए, ये अपने लिए इन्होंने अंडा बनाया है, आमलेट है। ये आमलेट जो है ना बना के, वो एक तरफ चाय बन रही है, चाय पक चुकी है। ओहो ओहो, अंडे की शक्ल तो खैर बहुत ही अच्छी लग रही है भाई। पांचवा रोजा हो गया, पता चला है? नो नो, बिल्कुल नो नहीं पता चला। पांच रोजे गुजर गए, आज पांचवा रोजा है। हाँ पांचवा रोजा है जी, पांचवा रोजा है। यार देखो शक्ल तो बहुत अच्छी है। मैं रही है, हाँ हाँ हाँ, ये रहा हमारा, मेरा अंडा नहीं है ये जब्बार भाई का अंडा है, मुर्गी का अंडा है। सॉरी जब्बार भाई, आप तुम अंडा दे भी नहीं सकते। आप ये कोशिश करेंगे तो नाकाम रहेंगे। डॉक्टर कहेंगे ये सहूलत आपको मुयसर नहीं है, ये सहूलत आपको मुयसर नहीं है अंडा देने वाली, कुछ और निकलेगा। चलो ठीक हो गया, मैं चलती हूँ बाहर। और यहाँ से जरा जो बैठे हुए सब लोग, और यहाँ से इसको कम करते हैं। तो डालना ही भूल गई कौरमे में, पहले कौरमा बहुत अच्छा था, मिर्चे तेज है कौरमे में, बहुत बहुत तेज है। मैं तो अंडा ही खाऊंगी भाई, बोलो भाई। अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड, कौरमे में मिर्चे लग रही है? नहीं। नानी कौन में मिर्ची लग रही है? नहीं नहीं, मजे का। नानी को कौन में मिर्ची नहीं लग रही, और हमारे मुंह नहीं लग रहा। नानी जैसे हमारी सब्जी और दाल बिल्कुल नहीं खाती, और जब इस तरह के मसाले वाली तो नानी बहुत शौक से खाती है। मुबीन चोरी करके चला गया। मुबीन ने चोरी कर लिया? नहीं, कुत्ते बेगारत ने 3 लाख का अंगूठे बेचता, लाख का 80,000 बकरे बेचते, मैं 10,000 दे। हाय हाय, ये की थी ना गाल कटी जावे। नहीं यार, ये की थी दाल ने ऊंट भी बेचता, ऊंट आया था पता नहीं कितने नहीं सारी बाल पोछे ला रहे हैं हंस हंस के। रोजा नहीं लगता है, या ऊट है स्टोर कर लेती है पानी अंदर सारा। नानो नुमान गया है, नुमान भाई गए। करो करो शाबाश, जल्दी जल्दी रोजा रखो। नानी का आज पांचवा रोजा है माशाल्लाह, माशाल्लाह। नानो को भूख लग रही थी, नानो 2 बजे से भूख लगी थी, 1 बजे से। मैं खा लूँ रोटी, आ जाए कौरमा, ये हमारा अंडा। नानी को 3 बजे से, और बस यहाँ पे हमारी हो गई है सहरी। अभी तोड़ के खा रही है, मिर्चे वाला भी खा रही है, सब खा रहा है। शक्कर थोड़ी है, बहुत प्यारी है। और वो माशाल्लाह उनको इतनी सुरदे याद है अहमद को, माशाल्लाह। क्या शक्कर क्या, वो पता नहीं दम दुम कैसे
मारना भी नहीं, उसके बाद नहाना फर्ज हो जाता। नहीं उसके पहले भी तुम कैसे कर दी, मैंने क्या था वो मेरे बाजू पर घूम रहे काकू काकरोच से छिपकली से बहुत डरती है तो आके बोली नुमान भाई छिपकली मार लेता है या खाना खाते हुए जबान भाएगा और मुबीर का खाना खराब करने आई थी काकू। कैदी लंगड़ी हो गई, पता नहीं सिर्फ स्प्रे किया था चलो जी हमारी हो गई है सहरी चौपाल जी। मेरे पुत्र ने किचन धोया और 2 महीने बाद इसने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया और हमने डिस्कशन भी कर लिया कुछ लोगों के ऊपर, नाम नहीं लेंगे और भी हमारा किचन बहुत साफ सुथरा है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा डर्टी जो लग रहा है वो इतना है नहीं जितना मेरी काकू बोल के चले गई, नेचुरल रहना चाहिए वो थोड़ा सा। आज के बच्चे हम मलंग बच्चे हैं, हम तो कहते हैं जैसा है ठीक है, जो रियलिटी है वो ही अच्छी रहती है, लेकिन आज के बच्चे थोड़ा सा होता है कि जी साफ सुथरे। लेकिन देखिए हमारा किचन कितना साफ सुथरा, ये साफ सुथरे चेहरे भी आपको नजर आ रहे हैं, ये देखिए कितना साफ सुथरा है आपको लग रहा है। ये पूरा किचन रात को 2 बजे ये देखिए पूरा 2 बजे किचन धो के सोया, अभी सहरी भी बनी है, सब कुछ हुआ है। खैर चले यहाँ से इसको जरा ख़त्म करते हैं, नानी भी और अम्मी भी, अम्मी ने मुंह पे कोई दवाई शवाई बली हुई है क्योंकि बस से थे वो रिमूव कराए तो निशान आ गए और वो जाने में टाइम लगाएंगे, तो इस वक्त जल्दी जल्दी ये लोग सहरी करें। खैर टाइम बहुत है क्योंकि 4 बज रहे हैं तो बहुत टाइम है, टेंशन नहीं है। और हमारी सहरी हो गई और आज हमारी जो पहली सहरी थी वो नुमान भाई जैनब और काकू की जो फ्रेंड्स थी उनके साथ हुई थी पहला रोज़ा। कल भी और परसों भी आती है हमारे घर में अफ्तारियाँ हैं, परसों भाभी की है तो वो आएंगे, तो कल यहाँ से अम्मी नानी मैं काकू जबार भाई भूपेन सब यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ से इसको भी ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि इसको छोटा ही व्लॉग बनाते हैं, कहते हैं अगर मगरिब में एक्टिविटी क्या होती है, मगरिब में क्या होगा काफ़ी कुछ बचा हुआ है वही शायद हम लोग खाएँ और फिर खाना ही होगा, तो वहाँ पे आज हमारी एक्टिविटी के बाहर जाने के लिए अगर हो गया तो वो उसमें ऐड कर दूँगी। खैर इसको यहीं से ख़त्म कर देते हैं, आज के लिए 5वीं सहरी आप सबको बहुत मुबारक हो, और मम्मी की तरफ से नानी की तरफ से हम सब की तरफ से जबार भाई की तरफ से मुबीन की तरफ से जैनब की जगह तरफ से सबको खुदा हाफिज़। बैठेगा नहीं, ये जाएगा, ये छोड़ेगा नहीं, चुन चुन के मारेगा चुन चुन के मार रही है काकू काकू का बच चले तो हम तो भी चुन चुन के मार दे, ये अल्लाह तो हम पे करम फरमा। नहीं मजाक नहीं उड़ा रहे, वो हमारा मजाक बना के चली गई है अभी अंदर ऑपरेशन की तैयारी की जाएगी खाना खाने के बाद, और देखते हैं कि छिपकली किसके छिपकली किसके हिस्से में आती है और कौन उसको मारता है और कौन मुस्तहिक होता है। अच्छा चलो खाना खा रहे, खाना बाहर आ जाएगा। जवाहर भाई कौन मारेगा छिपकली? गवर्नमेंट को चलो जी खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। 5वीं सहरी बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक सब घरों में दस्तखान पसंद करे, एहसान करे, हर बेटी के रस्म अच्छे करे, हर बेटे के रस्म अच्छे करे, और बुराई से हर बुरे लोगों से हर आफत से हर तंगी से हर जुल्म से हर चीज से महफूज रखे, अल्लाह हाफिज़। हाँ ये कारनामा भी मेरा है, पहले अंदर भी समझदार के ऊपर सारे चैनल बुलाया था, ये भी एजाज मेरे ही पास है, वहाँ पे भी चलाया था, क्या चलाया था जहाज करो कॉप्टर। खैर बड़े प्यारे प्यारे और अम्मी डर रही थी, अम्मी कहती है समंदर की लहरें इतनी थी, अम्मी कहती है अल्लाह उज़्मा कुछ हो जाएगा, अम्मी कहती है वापस नहीं आएगी, वो सारा लगा हुआ था पीछे सिलेंडर था। क्यों देखा नहीं आप लोगों ने? नहीं देखा। वहाँ सऊदी अरब के हर स्टेशन पे चला हो, रेडियो पे, टीवी पे, इधर पाकिस्तान। इस वक्त ये लोग खड़े चने निकाल रहे हैं,
ये पिछले 3 दिन से है, 3 दिन से कभी नानी निकालती है, 3 किलो ले आए थे, कभी नानी निकालना शुरू हो जाती है, कभी अम्मी निकालना शुरू हो जाती है, कभी टोपियां पहनाते हैं तो कभी रमजान में चना, हाँ कभी जबार भाई निकालना शुरू हो जाता है, कभी मुमी निकालना शुरू हो जाता है, और हमारे घर में अम्मी कहती है जाता जाता सीजन है, तो ये बस अभी आखिरी आखिरी चावल और कीमे में आज हम इसको कीमे में बनाएंगे, कीमे में बनाएंगे, बहुत मजे के लगेंगे, मजे से खाएंगे। जबार भाई तो खाना नहीं खा रहे आजकल, डाइट पर है, अपना टेट छोटा करने के लिए आजकल बहुत डाइट पर है, और जबार भाई ने मुझे वीडियो को देखते ही पेट को अंदर खींच लिया, कसम खुदा की मैं कैमरा हटाऊं उन्होंने फुस करके साथ छोड़नी है, और फुस करके नीचे से 9 महीने का पेट बाहर आ जाना है, नहीं अब नहीं भाई कम हो गया भाई, पता ही पेट तेरे अब्बा का फंसता है, इसके अब्बू माशाल्लाह माशाल्लाह तेरे से 4 बनते हैं, इसके अब्बू ना स्टीयरिंग ना पेट से चलाते हैं, अम्मी ये भी पेट स्टीयरिंग ना पेट से चलाते होंगे, इसका आजकल पेट छोटा हुआ है, हां नहीं जबार भाई का बहुत कम हुआ है, रोटी कम करती हूं, कहां पड़ी है उसकी, बाथरूम से बाहर, और खुद कहां पड़ी है, बाथरूम में, क्या कर रही है वो पड़े हुए, चला नहीं जा रहा, कैसे ये चुपकली की बात हो रही है, छिपकली आ जाए काकू आ जाए तो ये पागल हो जाती है, और पता ये इतनी डरती है काकू से देखकर चीखे मारती है, काकू मेरी पुप्पो नहीं है, एक ही है, और वो लाल बेग से मुझे लाल बेग से टाइप ही हो सकता है, लाल बेग से मुझे ज्यादा, उनकी बर्थडे थी, मम्मा ने लिखा पप्पू मैं आपके लिए गिफ्ट लाया, बोला मेरा बच्चा क्या लाया, बोला आंखें बंद करे कॉकरोच था बर्नी का, ले गया चीखे मार मार के पानी खोली, चुपकली जमीन पे जा रही, उनकी सांस बिल्कुल, उनको हार्ट अटैक हुआ हो तो कहीं बाहर गेट के लाल बेग थे एम्बुलेंस में डाल दिया, वो नहीं निकल रही बाहर, लेकिन काकू ने देखो बड़ा काम किया, स्प्रे मारी उसकी दुम को अलग कर दिया, मुझे आइडिया नहीं था उसकी दुम अलग हो जाएगी स्प्रे से, मैं समझी कोई नई छुपकली आ गई बाथरूम में दुम कटी और दी दुम कटी और दुम कटी गई बड़ी कर दी दुम, फिर मैंने देखी बाथरूम के बाहर पड़ी, अल्लाह काकू तुम्हारा बाथरूम गंदा हो गया, हले सबसे साफ सुथरा बाथरूम इसका है, बहुत साफ है, मजे का होता है ऐसा वाला आता है, हाँ फंस जाते हैं, फिर मैं तो मैं 4 दिन से इतना दर्द है यार कसम से, मैं तो घी टू कौन सा मी लोग इसमें मेकअप का सामान रखते हो आपकी दवाई कभी और नहीं किया, तो क्या किया मेकअप वाले बैग में लोग आप ही हाँ लोग दुम किधर है देखो, निशे कहती है दुम पड़ी हुई है यहाँ पे, फाता दुम किधर है, ये तो अभी खूद रही है, मचल रही है, ये मचल मचल के पागल हो रही है, ओए होए 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 चुपकली जा रही है, चले जी लेकिन अंदर से जा रहा है, मम्मा खाएंगी बेटे अपने प्योर पे ही नहीं थी हमारी अम्मी को खिलाया प्योर पे, अब वो आपके लिए तोहफा आ रहा है, चलो ले जाओ कचरे के बाहर डाल के आ रहा ताकि अंदर ना आए, गई थी चुपकली इसलिए हमने इसको वीडियो को बंद नहीं किया, छिपकली कर दी, ऐड कर दिया,
मुबीन ने और शाबाश वेल डन और नुमान भाई ने इस पे स्प्रे किया और मुबीन ने उसकी दुम को उठाया और कोई बता नहीं रहा जिसने मैंने मारी है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हम तो भूल गए और यहाँ से वो पैक होके मेरी माँ बोलती है अपने प्यो को भेजो। प्यो का क्या कसूर है? प्यो तो पंजाब बैठा है, लेकिन कोई गल नहीं, फिर यहाँ से वो खत्म करते हैं। पहले खत्म कर रहे थे पर बीच में छिपकली आ गई थी, इस तरह से हमने कहा चलो वापस।